दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को अच्छा कप्तान मानते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे की बदौलत दूसरा T20 मैच जीता भारत, लेकिन जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान कप्तान रोहित शर्मा आए तो उनसे पूछा गया कि आखिर शुभमन गिल से लड़ाई के बाद क्यों किया उनको इस T20 मैच से बाहर। तो इस पर रोहित शर्मा ने दिया ऐसा होश उड़ा देने वाला बयान कि सुनकर पूरे भारत देश के उड़ गए एक सेकंड में होश। तो आखिर क्या बोले रोहित वो तो वीडियो में दिखाएंगे, तो बने रहिएगा अंत तक। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैच की T20 श्रृंखला खेली जा रही है और दूसरा T20 मुकाबला टीम इंडिया के लिए बेहद यादगार रहा, क्योंकि इस मुकाबले में भारत ने एक बार फिर से 6 विकेट से जीत हासिल की। दरअसल हुआ ये कि भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और अफगानिस्तान पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 172 रन बना पाने में कामयाब हो सका। हालांकि इस बीच अफगानिस्तान के लिए सबसे अच्छी पारी गुलबदीन नाइब के बल्ले से आई जिन्होंने 57 रन बनाए, तो वही नजीबुल्ला जादरान 23 रन, करीम जनात 20 रन बनाकर आउट हुए और मुजीबुर रहमान ने 21 रन की पारी खेली थी मात्र 9 गेंदों में। लेकिन दोस्तों भारतीय गेंदबाज हर्षदीप सिंह के नाम यहाँ 3 विकेट हुए। अब जब भारत की टीम मैदान पर उतरी तो रोहित शर्मा भले पहली गेंद पर ही आउट हो गए, लेकिन यहाँ पर यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली ने पारी को संभाला। इस बीच विराट कोहली ने जहाँ 29 रन बनाए तो वही यशस्वी जायसवाल ने 68, वो भी मात्र 34 गेंदों में रन बनाए। और वहीं शिवम दुबे के बल्ले से 5 चौके और 4 छक्कों की बदौलत 63 रन की पारी देखने के लिए मिली, जिसके चलते भारत 173 रन मात्र 16.4 ओवर में बनाने में कामयाब रहा और 6 विकेट से भारत ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। तो वहीं दोस्तों इस मुकाबले में मिली शानदार जीत के बाद अब टीम इंडिया ने 2-0 से यह सीरीज भी अपने नाम कर लिया। हालांकि इस सीरीज के शुरू होने से पहले किसने सोचा था कि भारतीय टीम इन युवा खिलाड़ियों के साथ अफगानिस्तान के खिलाफ इतनी शानदार जीत हासिल करेगी। और अब दोस्तों दूसरा T20 मुकाबला जीत जाने के बाद जब कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर आए तो इस दौरान उनसे पूछा गया कि दूसरे T20 मुकाबले में से आपने शुभमन गिल को रनआउट वाली बहस के बाद बाहर क्यों किया? तो दोस्तों यहां पर रोहित शर्मा ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया, फिर मैंने टॉस के दौरान भी आपसे बताया था कि शुभमन गिल अब आगे आने वाले एक भी मुकाबले में खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले मुकाबले में जो हरकत की थी और उनकी गलती की वजह से उनको अब ये भरपाई तो करनी ही पड़ेगी। अब हमने डिसाइड कर लिया है कि शुभमन गिल को आगे होने वाले लगभग 50 T20 मुकाबलों तक हम मौका नहीं देने वाले। हमें शुभमन गिल जैसे खिलाड़ियों की कोई जरूरत नहीं है जो कि अपने कप्तान को जानबूझकर रनआउट करवा दे। आखिरकार हम सभी मिलकर देश के लिए खेल रहे हैं, अगर आप अपने लिए खेलने के लिए मैदान पर आए हैं तो आप भारी बैठिए, और इसी में शुभमन गिल की भी भलाई है। इसलिए हमने उनको दूसरे T20 में मौका ही नहीं दिया, हमारे पास एक स्थान बच भी रखा था, लेकिन हमने डिसाइड किया कि यशस्वी जायसवाल को ही हम खिलाएं। शुभमन गिल को अब बाहर करने का समय आ चुका है और शुभमन गिल हम लोगों का साथ छोड़कर अपने घर भी लौट चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रोहित शर्मा ने तो होश उड़ा देने वाला खुलासा करके ये बता दिया है कि शुभमन गिल को आखिरकार मौका क्यों नहीं दिया, क्योंकि पिछले मैच में जो रोहित शर्मा को उन्होंने 0 रन पर ही आउट करवा दिया था वो सबसे बड़ी गलती उनकी जिंदगी की मानी गई। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं कि रोहित शर्मा ने ऐसा फैसला लेकर सही किया या फिर गलत? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।